अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीर ख़ान है। यहाँ पर 12 इमाम की गली में मेरा गोडाउन है। गोडाउन में आग लगने के वजह से पूरा माल जल गया, तकरीबन 95-96% माल जल गया। थोड़ा बहुत माल बचे हुआ है, वो भी आग की वजह से पूरा काला हो गया, बेकार हो गया वो माल। रमज़ान के सीज़न के लिए माल मंगाए थे, अब आग लगने से माल जल गया पूरा। ये जेंट्स, लेडीज और छोटे बच्चे, पूरे टोटली पूरा वैरायटी थी इसमें। टोटल 35-40 लाख तक का लॉस हुआ वो, फिर भी थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है। अब वो देखना पड़ेगा वो कितना है, अब उसमें भी पता नहीं कितना माल ख़राब हो गया होगा। SS फुटवेयर का एक गोडाम है, बहुत बड़ा गोडाम है यहाँ पर। इसमें 2:30 से 3:45 के दरमियान में ओनर ख़ुद 2 बजे के करीब ओनर यहाँ आए, थोड़ा माल लेके गए, यहाँ से लॉक करके गए। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बड़े गोदाम में एक बहुत बड़ी आग लग गई। यहाँ पर करीब 35-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारे समीर खान साहब बता रहे हैं कि 35-40 लाख का नुकसान हुआ। पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से रमज़ान का सीज़न कोई नहीं करे, तो ये रमज़ान के सीज़न की वजह से, रमज़ान की आमद के लिए ये होलसेल कारोबार है आपका, तकरीबन माल यहाँ पर डम करे थे। गोदाम भरा हुआ था, तकरीबन 3-4 रूम और एक हॉल पूरा कंप्लीट भरा हुआ था, जल के खाकिस्तर हो गया यहाँ पर। मैं यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर यहाँ पर आया। फायर ब्रिगेड से रबता कायम किए, 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए, MRO से बात किए। MRO साहब ने RI को यहाँ पर भेजा, प्रदीप को, वो भी पूरा जायज़ा लिए हैं यहाँ पर। हल मुमकिन कोशिश करेंगे MRO को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे वक्त में जो समीर खान की फैमिली के साथ है, आपके साथ है, जो मुमकिन हो सका हम, मैं आपके साथ MRO के पास चलूँगा, जो कोशिश हो सके इंशाल्लाह मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेंगे, आपकी जो मदद हो सके करेंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आग लगने से भी यहाँ पर गोदाम में कोई नहीं थे, कोई जानी नुकसान या कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। महल्ले के जितने नौजवान बुज़ुर्ग थे, आजू बाजू से ऊपर से पहले फायर ब्रिगेड आने से पहले उसको आग को काबू में करने की कोशिश करें, मगर फायर ब्रिगेड आके आग को काबू में करा। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं फिर एक मरतबा हमारे समीर खान और उनके तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूँ, कुछ भी रहेंगे हम इंशाल्लाह आपके साथ है और आपके साथ रह के काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।